मैंने जिस बंदे को नॉकआउट किया था उसका किल कोई और चुरा लेता है, लेकिन ठीक है यार, उसकी सजा किसी और को दे देंगे। चलो बड़ा। तो जय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वायर वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग, अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार आ चुके थे यासनाय में और उतरते ही चलो बड़ा। बस अब यहाँ पे इस घोचू को मैंने नॉकआउट कर दिया था और उसको तुरंत ही फिनिश करने के लिए मैं इस बिल्डिंग में आ जाता हूँ। और मैं इसको इधर उधर ढूंढ रहा था, ये चोर कहाँ पे छुप गया। चलो बड़ा। अब इसको मैंने जैसे मारा, हमारे टीममेट पे हो जाता है हमला। तो चलो भाई, खत्म करते हैं मामला। चलो बड़ा घोचू। अब मेरा प्लान था कि भाई यहाँ से थोड़ा सा ग्रेनेड व्रेनेड फेंकते ताकि वहां पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, लेकिन मेरा टीममेट उधर बीच में आ जाता है। नहीं लेकिन जैसे तैसे करके हम उनको भी ढिला देते हैं और आते हैं इस साइड। अब यहाँ पे मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई कोई ना कोई चवन चूतिया चूरन खाने वाला बंदा यहाँ पे छुपके बैठा हुआ है। और तुरंत ही मेरा यक शकीन में बदल जाता है, शक यकीन में बदल जाता है। ये देखो, मैं समझ चुका हूँ कि ये बंदे ने मौली किधर से फेंकी है। बस आजकल ना मेरे ग्रेनेड थोड़े से कमजोर पड़ चुके हैं, इसी वजह से मेरे ग्रेनेड से घंटा भी कुछ नहीं हो रहा। ये देखो, अब ये बंदा उधर ही था जहाँ पे मैंने ग्रेनेड फेंका। चलो ठीक है पहला ग्रेनेड घटिया था, लेकिन दूसरा तो उसके मुंह के अंदर जाके फटा ना। लेकिन फिर भी वो बंदा मरा नहीं, अपने टीममेट ने उसका किल ले लिया, किल चुरा लिया। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ऊपर से ये बॉट भी आ चुके थे, तो मैंने सारा का सारा गुस्सा उन्हीं पे निकाल दिया। और अब हमारे सामने जो थ्री स्टोरी है उसके ऊपर के बंदे, तो मैंने सोचा भाई अब यहाँ से आगे जाना ही पड़ेगा। और जब तक मैं आगे जाता हूँ, मेरे टीममेट में से एक टीममेट को वो सामने वाले बंदे नॉकआउट कर देते। अब इतने दिनों से गेम खेल रहा हूँ तो गेम खेलते खेलते मुझे एक अंदाजा आ चुका है कि कब कोई बंदा रश करता है, कब छुप के बैठता है, कहाँ पे कैंपिंग करता है, सब पता रहता है। चलो बड़ा, इसको तो पूरा ही फिनिश कर दिया भाई। मालूम वालूम कुछ नहीं, कौन किधर बैठा है, क्या कर रहा है, और सीधा घुसे जा रहा है। तू क्या टाइटन थोड़ी ना है? अब इसको हमने मार दिया तो उसके बंदे आगे तो आने वाले है नहीं। तो वो बंदे रोड की उस साइड से हम पे फायरिंग कर रहे थे, ग्रेनेड मौली कंदा लहसन सब कुछ फेंक रहे थे। और हमारे सामने की जो बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर से एक बंदा ताका झाकी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ग्रेनेड तो मेरे भी पास है, क्यों ना फिर से एक बार आजमा लिया जाए। और आखिरकार फाइनली शेवटी ये भी ग्रेनेड खाली चला जाता है। चलो बड़ा, चलो कोई बात नहीं यार, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, फिर चुल मचेगी मेरे सीने में। अब इनका एक बंदा नॉकआउट करने के बाद मैंने सोचा भाई कुछ भी नहीं देखना है, अब सीधा घुसते है। मैंने जिस बंदे को नॉकआउट किया था उसका किल कोई और चुरा लेता है, लेकिन ठीक है यार, उसकी सजा किसी और को दे देंगे। चलो बड़ा, बस अब आखिरकार यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था। तो हम उठाते हैं अपनी गाड़ियां और आते हैं कोचिंग में। अब इसको मैंने जैसे नॉकआउट किया, मुझे आते हैं ऊपर से फुटस्टेप कि भाई एक बंदा और है। तो अब मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला, तो चुपचाप से मैं निकालता हूँ अपना ग्रेनेड। और अगर अब ये बंदा नहीं फटा तो मेरे पास फांसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो बेटा, बोलो भारत माता की जय। बस चलो भाई, आखिरकार ये बंदा मर गया और मेरी इज्जत थोड़ी बहुत थी जो कि नीलाम होने वाली थी वो बच गई है कि नहीं। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि यासना में मैंने जिस बंदे को मारा था, हाँ, जिसका किल चोरी हुआ था, वही बंदा इस भूसे के ढेर के पीछे आया था। अब वो वहाँ से खतरनाक से पीक कर रहा था और मैं भी यहाँ पे गरीबी में दो चार पीक कर लेता हूँ। टुडुक टुडुक।
और इसने मजाक मजाक में मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर दिया था और अब इस बंदे का मरना बिल्कुल तय है। मेरे टीममेट उधर से आ चुके हैं तो मेरे टीममेट उनको उधर से मार रहे, मैं इधर से तो हूँ ही जिंदा। और ये ले हेडशॉट फिर से, बस अब ये बंदा मेरे हाथों से दो दो बार मर गया। एक बार तो बहुत ही बुरी मौत हुई थी इसकी और दूसरी बार भी बहुत ही ज्यादा बुरी हुई। अब मुझे लगा कि भाई यहाँ पे कोई नहीं होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई था भी नहीं, पर पता नहीं भाई कहाँ से दो बंदे आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा तो इतना खाई में था ना, इसको क्या टट्टी आई थी क्या है? चलो बड़ा, और ये देखो, चलो बड़ा तुम भी। ये बंदा इतना घाई में था कि भाई गाड़ी रुकने से पहले ही उतर गया और फिर नॉकआउट हो गया खाली पीली। मैं कहता हूँ इतनी जल्दी क्या है भाई शादी करने की, गाड़ी से उतरने की है? और इनका तीसरा बंदा यही पे है। चलो बड़ा तुम भी। चोर ऐसे बिल्ली की तरह छुपके छुपके से आ रहा था, उसको लगा कि मैं नहीं देख पाऊंगा। बेटा 30 साल का तजुर्बा है गेम का, कौन बंदा किस तरफ से कब आ रहा है और कैसे आ रहा है सब पता रहता है। खैर हमने वहाँ पे सबको मार दिया था तो हम उठाते हैं गाड़ी और आते हैं इस साइड। अब यहाँ पे एक ही बंदा था जिसका किल मैं अपने तीनों टीममेट के बीच में से चुरा लेता हूँ। ये देखो मेरे दोनों टीममेट बस मेरा मुंह देखते रह गए और मैंने उसको ढीला दिया। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है, हमारे सामने कुछ बंदे थे जिसमें से भाई एक बंदा इतना खतरनाक स्नाइपर था। अरे यार ये मेरी बिल्लियों को मार दूंगा मैं यार। क्या बोला तूने? नहीं नहीं मारूंगा नहीं भाई, एनिमल राइट वाले मेरे को मार देंगे वरना। करो करो झगड़े करो, सारे कपड़े फाड़ दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और हमारे सामने इतना खतरनाक स्नाइपर था ना, वो बंदा मेरे टीममेट को दो बार नॉकआउट कर देता है। तो मैंने सोचा भाई दूर से तो इनका कुछ उखड़ने वाला है नहीं, थोड़ा पास जाना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं अपनी गाड़ी और जैसे ही निकलने की कोशिश करते है, ये देखो चुपके से चोरों की तरह उधर से देख रहा था। अच्छा हुआ मैंने इसको तुरंत पकड़ लिया, वरना ये हमारी गाड़ी चोरी कर लेता। खैर छोड़ो उसको तो बाद में देख लेंगे, पहले इस सस्ते श्राउड को देख लेते। अब जब तक हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सब कुछ मामला शांत हो चुका था और तुम्हें तो पता है कि आजकल मैं धीरे धीरे मॉलीगॉड भी बन रहा हूँ। तो फिर ये देखो, नाइस मॉलीगॉड कहते हैं भाई, कौन कहते हैं पता नहीं। अब इनको लग रहा था कि भाई यहाँ पे अपने को कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि अंदर कोई है या फिर कोई रिवाय दे रहा है। बेटा जिंदगी जारी गेम खेलते खेलते कौन बंदा किस कोने में रिवाइव दे रहा है सब पता रहता है। अब यहाँ पे 17 किल करने के बाद हमारे रैंडम टीममेट को होश आ जाता है कि भाई मैं ही वो हूँ जो ये समझ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शो अप कर लेता हूँ, डांस वांस इमोट वगैरह तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, गरीबों वाली आईडी है। तो मेरे टीममेट ने उसको डांस वांस दिखा दिया और बस हो गया अब उसका एंटरटेनमेंट। चलते हैं आगे। अब हम गाड़ी उठा के यहाँ तक आते हैं, उसके बाद में मैं देखता हूँ कि आगे की तरफ एक ड्रॉप है और ये ड्रॉप एकदम फेवरेबल जगह होती है मगरमच्छों के लिए। तुमने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे कि भाई पानी के अंदर मगरमच्छ छुपे रहते हैं, जैसे कोई हिरन तो नहीं शेर अगर कोई आता है पानी पीने तो उसका पैर काट लेते हैं, वैसे इधर भी कुछ मगरमच्छ लेटे हो सकते थे और उनमें से एक मेरे को दिख जाता है। चलो बड़ा पूरा फिनिश हो गया भाई, अच्छा हुआ मैंने इसको देख लिया वरना मेरा पैर तोड़ के खा जाता, पर शुक्रवार है कि मैं यहाँ पे बच गया। अब हमारे सामने एक दो बंदे थे जिनको मेरे टीममेट्स ढिला देते हैं, तो मैं उधर से निकल के आता हूँ इस साइड और अब भाई बचे सिर्फ दो बंदे और उनमें से एक भी बंदा ना तो मगरमच्छ है ना ही सांप बना हुआ है और मेरे को कोई भी यहाँ पे नहीं देख रहा और नॉकआउट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा।
अरे क्या क्या करूं मैं इन लोगों का, मार भी नहीं सकता, दिखे तो सही। हरामखोर घास में टट्टी की तरह पड़े रहते हैं एकदम शांत, ताकि आने वाले को पता भी ना चले कि नीचे क्या है, और फिर हमारा पाव गंदा हो जाता है उसकी वजह से। खैर अब यहाँ पे मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं उठाता हूँ पहले बग्घी, क्योंकि भाई पैदल भाग के मुझे फिर से नहीं पिटना। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ी गेडिया वगैरह मार लेते हैं, लेकिन जानवरों की तरह इधर से उधर भागने के बावजूद हमें यहाँ पे कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था कि लास्ट वाला बंदा किधर है। तभी मेरा टीममेट उसका 100 करोड़ का IQ निकालता है और वो बताता है कि भाई ये बंदा कहीं शैक में तो नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई बात में तो दम है आपकी, एक बार चेक कर ही लेते हैं, पैसा तो कट नहीं रहा अपना, है कि नहीं? गाइस यहाँ चलो। तो हम जैसे यहाँ पे आते हैं, ये देखो, चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस चलो भाई, आखिरकार फाइनली शेवटी हमारा इस मैच में चिकन डिनर हो गया। 20 किल हो सकते थे अगर एकाध किल चोरी ना होता, लेकिन इतने में भी मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, है कि नहीं? तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।